new students and for the part of students आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं ग्रीन डायग्राम और जिस टॉपिक को आगे हम सब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो इंटरसेक्शन ऑफ है स्टूडेंट प्रीवियस कुछ लेक्चर में वेन डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेन डायग्राम पर यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म किए थे आज हम परफॉर्म करेंगे इंटरसेक्शन का ऑपरेशन कि अगर आपके पास दो सेटों का इंटरसेक्शन स्टूडेंट आई एम फॉर द पार्ट ऑफ स्टूडेंट आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं वेन डायग्राम और जिस टॉपिक को आगे हम सब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो इंटरसेक्शन ऑफ है स्टूडेंट प्रीवियस कुछ लेक्चर में वेन डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेन डायग्राम पर यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म किए थे आज हम परफॉर्म करेंगे इंटरसेक्शन का ऑपरेशन कि अगर आपके पास दो सेटों का इंटरसेक्शन स्टूडेंट आई एम फॉर द पार्ट ऑफ स्टूडेंट आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो बी में मौजूद है ये कौन सा केस है जिसमें वेन मैं इसको यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ व्हेन ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए और इन सेट बी जब सेट ए के तमाम एलिमेंट आपके पास सेट बी में मौजूद होंगे तो उसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था कि वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल की मदद से तो ये आपके पास यूनिवर्सल सेट यू है अब देखिए स्टूडेंट आपके पास यहां पे ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए और इन सेट बी अब सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं कंडीशन की ए सबसेट ऑफ बी अगर ए बी का सबसेट है तो बाहर वाला जो सर्कल होगा वो सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा उसके अंदर जो सर्कल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा ए को रिप्रेजेंट और हम फाइंड क्या कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन स्टूडेंट इंटरसेक्शन में दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट्स लिए जाता है अब स्टूडेंट जरा इधर गौर करें ए और बी में इंटरसेक्शन का रीजन कौन सा होगा ए तमाम का तमाम बी में मौजूद है यानी सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे सेट बी में मौजूद है तो आपके पास इंटरसेक्शन का रीजन सेट ए का रीजन आएगा क्यों एक छोटी सी एग्जाम्पल इसकी दे देता हूँ अगर आपके पास ए है ना 1 2 3 बी आपके पास है 1 2 3 4 और 5 स्टूडेंट ए के एलिमेंट सारे के सारे बी में मौजूद है इंटरसेक्शन में हम लोगों ने कॉमन पोर्शन लिखना होता है अगर देखिए ए तो सारे का सारा बी में मौजूद है तो कॉमन पोर्शन आपके पास सिर्फ ए ही आ जाएगा ना क्यों क्योंकि ये दोनों में आने वाला पोर्शन है ये वो कॉमन पोर्शन है जो ए में लिया है और बी में लिया है तो अगर आपके पास केस होंगे ए सबसेट ऑफ बी ए बी का सबसेट है तो आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे ए के रीजन को आप शेयर कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी दूसरा केस स्टूडेंट आपके पास है सेकंड जो आपके पास केस है वो है बी इज सबसेट ऑफ ए बी ए का सबसेट इसको आप देखोगे अब व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी और इन सेट जब सेट बी के तमाम एलिमेंट आपके पास ए में मौजूद होंगे यहां ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद थे यहां इसका ऑपोजिट आ गया यहां बी के तमाम एलिमेंट आपके पास ए में मौजूद हैं तो स्टूडेंट चलिए इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे वो सीखते हैं ये आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा देखिए स्टूडेंट बी के एलिमेंट ए में मौजूद है ना तो जो बड़ा सेट आपके पास होगा वो आपके पास होगा बी सॉरी ए होगा बाहर वाला सेट ए होगा बाहर वाला सर्कल ए अंदर वाला जो सर्कल होगा वो आपके पास होगा बी और अब जरा देखिए इसको कंडीशन वही है जो आपके पास यहाँ की कि अगर बी ए का सबसेट है तो बी के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए में भी मौजूद हैं अब जो कॉमन रीजन आपके पास आएगा ये अंदर वाला सेट है देखिए ये बी में भी हिस्सा है और ए में भी है तो कॉमन रीजन आपके पास कौन सा आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी में अब जो अंदर वाला रीजन अंदर वाला सेट आपके पास कौन सा है सेट बी है तो आपके पास सेट बी जो है वो यहाँ पे
शेड हो जाएगा इंटरसेक्शन में, क्यों? क्योंकि ये बी भी है और बी सारा का सारा ए में बी शामिल है। यहाँ हमने ए को शेड किया था, क्यों? ए के एलिमेंट क्यों है और बी में क्यों वो शामिल है, यानी शेडेड पोर्शन ए जो है वो सारा बी के अंदर मौजूद था तो ए को हमने शेड किया है। यहाँ पर बी सारा ए के अंदर मौजूद है तो बी को शेड किया है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमने दोनों सेटों का कॉमन पोर्शन लिखा होता है। स्टूडेंट आगे नेक्स्ट वो ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। कॉमन एलिमेंट लेने होते हैं इंटरसेक्शन में,
अब यहां देखिए इनमें तो कॉमन एलिमेंट आ रहा है आपके पास, इनमें एलिमेंट कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट ऐसी कंडीशन इंटरसेक्शन आपके पास एम्प्टी सेट आ जाता है, एम्प्टी मतलब दोनों में कोई लीनियर कॉमन नहीं है। अब इधर ए और बी में हम किसी को शेड नहीं करेंगे, किसी को कलर नहीं करेंगे, किसी को हाईलाइट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन पोर्शन जो नहीं है, ओवरलैपिंग होता तो हमारे पास कॉमन पोर्शन आ जाता। वो पोर्शन हमें बता रहा था कि ये आपके पास इंटरसेक्शन का रीजन है, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। अब डिसजॉइंट, डिसजॉइंट की ये डेफिनेशन है कि दोनों में डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, दोनों में कोई एलिमेंट भी कॉमन ना आ रहा। अगर डिसजॉइंट है तो ए और बी को हम सेपरेट लिखेंगे, अगर ए और बी को सेपरेट रिप्रेजेंट करेंगे तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। तो इंटरसेक्शन की सूरत में अगर डिसजॉइंट सेट होंगे तो कोई सेट में हमारे पास कलर या शेड नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, आज का लेक्चर इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें और फिर उसके लिए इसको बेहतरीन तरह से प्रिपेयर करें, और जितने टॉपिक स्टूडेंट का आपके हो चुके हैं सारों को क्विज के लिए रेडी रखें, प्रीवियस टॉपिक से भी आपकी क्विज उठाए हो चुके हैं।